हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 8.1 टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 8.1 में लास्ट हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया। अभी क्वेश्चन नंबर 10, इन राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल एट क्यू, या तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 एंड पी क्यू इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड साइन पी फाइंड कॉस पी एंड फाइंड टेन पी। क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़ना, ट्राइंगल पी क्यू आर है, राइट एंगल एट क्यू जिसमें एंगल क्यू 90 डिग्री है, और पी क्यू 5 दिया है, पी आर प्लस क्यू आर 25 दिया है, यू हैव टू फाइंड साइन पी कॉस पी टेन पी। तुम्हें तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ढूंढने हैं विद रिस्पेक्ट टू एंगल पी। तो अभी पी आर प्लस क्यू आर 25 दिया है ना, तुम्हें पी आर प्लस क्यू आर 25 दिया है, तो एक काम करो कि पी आर प्लस क्यू आर 25 है, तो अगर हमने क्यू आर को सपोज कर लिया एक्स, तो ये पी आर भी तुम्हें एक्स के फॉर्म में मिल सकता है। पी आर प्लस क्यू आर 25 है ना, तो अगर हम सपोज कर लेते हैं क्यू आर इक्वल टू एक्स, देखो स्पेशल सम है, ऐसे और भी कई सम्स आएंगे, ध्यान रखना है। क्यू आर को अगर तुमने एक्स सपोज कर लिया तो क्या बन गया, ये पी आर प्लस एक्स इज इक्वल टू 25, सो हाउ मच विल बी पी आर, सो पी आर विल बी 25 माइनस एक्स, समझे, पी आर विल बी 25 माइनस एक्स, ये पी आर हो गया, कितना हो गया पी आर 25 माइनस एक्स। अब तुम ट्राइंगल पी क्यू आर में पाइथागोरस लगा के एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, और एक बार तुम्हें एक्स मिल गया तो उससे तुम्हें साइड क्यू आर और साइड पी आर मिल जाएंगे, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो साइन पी कॉस पी टेन पी तुम आराम से फाइंड कर सकते हो। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल क्यू 90, पी आर एस हाइपोटनस, सो बाय पाइथागोरस थियरम पी आर स्क्वायर शुड बी इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, दैट मीन्स 25 माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 25 माइनस एक्स होल स्क्वायर, इसमें तुम a माइनस बी होल स्क्वायर वाला एक्सपांशन अप्लाई कर दोगे, a माइनस बी होल स्क्वायर 25 माइनस एक्स होल स्क्वायर, तो इट विल बी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या बन गया 25 प्लस एक्स स्क्वायर, समझे, मतलब दिस विल बी 625 माइनस 50x प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों इधर शिफ्ट करते हैं या खाली एक्स स्क्वायर को इधर ले आते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, और अगर हम 625 को वहां ले जाए तो माइनस 50x ट्रांसपोज कर रहे 625 को, माइनस 50x विल बी इक्वल टू 25 माइनस 625, ये ट्रांसपोज हो गया 625, वहां जाके माइनस बन गया, मतलब माइनस 50x इज इक्वल टू माइनस 600, 25 माइनस 625 माइनस 600, दोनों साइड से माइनस माइनस कैंसिल, सो x विल बी, है ना, वैसे भी डिवीजन में जाने वाला है 600 अपॉन माइनस 50, तो माइनस और माइनस तो वैसे भी कैंसिल होने वाला है, सो एक्स विल बी 600 अपॉन 50, 0 0 कैंसिल, 5 12 जा एक्स मिल गया हमें, कितना मिला एक्स, हमें एक्स मिल गया 12। अब अगर हमें एक्स 12 मिल गया, इसका मतलब अब हमें क्यू आर भी मिल जाएगा और पी आर भी मिल जाएगा, क्यू आर क्या हुआ, क्यू आर एक्स 12 सेंटीमीटर, क्या अब हमें पी आर मिल जाएगा, पी आर पी आर इज 25 माइनस एक्स, मतलब 25 माइनस एक्स 12 मतलब 13 सेंटीमीटर,
है ना। अब हमारे पास तीनों साइड्स हैं, हमारे पास क्यू आर भी है 12 और हमारे पास पी आर भी है 13। अब तो वही करना है जो हम हर बार करते आए हैं, साइन पी बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, साइन पी बिल्कुल ध्यान रखना है। जैसे भी ये टाइप के सम्स हम इसमें कर रहे हैं, सेम कुछ इसी टाइप के सम्स तुमको प्रैक्टिस बुक में भी मिल जाएंगे। साइन पी, साइन क्या होता है, साइन होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, है ना, साइन इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अब विद रिस्पेक्ट टू एंगल पी, साइन पी अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस विद रिस्पेक्ट टू एंगल पी, अपोजिट साइड कौन सी है, तो अपोजिट साइड है क्यू आर एंड हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इज पी आर, है ना। वॉट इज साइन, साइन इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो विद रिस्पेक्ट टू एंगल पी अपोजिट साइड कौन सी हुई, क्यू आर, और हाइपोटेनस क्या हुआ, पी आर, क्यू आर अपॉन पी आर। दैट मीन्स साइन पी विल बी इक्वल टू, साइन पी विल बी इक्वल टू क्यू आर अपॉन पी आर। इसके आगे रख लेते हैं, चलो क्यू आर हमने फाइंड किया है, ये रहा 12, पी आर हमने फाइंड किया तो कितना मिल गया हमें 12 अपॉन 13 हो गया। फिर हमें क्या फाइंड करना है, कॉस पी, क्या होता है कॉस, कॉस होता है एडजसेंट अपॉन हाइपोटेनस, वो याद रखना पड़ेगा तुमको, साइन कॉस और टेन याद रखो, बाकी के तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो उसके ही रेसिप्रोकल है, साइन का कोसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट। तो पहले तीन ये याद रखो, कॉस, तो कॉस होता है एडजसेंट अपॉन, एडजसेंट अपॉन हाइपोटेनस। अब विद रिस्पेक्ट टू एंगल पी, जरा देखो एडजसेंट साइड कौन सी है विद रिस्पेक्ट टू एंगल पी, तो एडजसेंट साइड है पी क्यू और हाइपोटेनस है पी आर, तो ये क्या बन जाएगा 5 अपॉन 13 कॉस पी। इसके बाद 10 पी, क्या होता है 10, तो 10 होता है अपोजिट अपॉन एडजसेंट, तो विद रिस्पेक्ट टू एंगल पी, जरा देखो अपोजिट साइड कौन सी है, अपोजिट अपॉन एडजसेंट होता है ना, तो विद रिस्पेक्ट टू एंगल पी जरा देखो अपोजिट साइड कौन सी है, तो अपोजिट साइड है क्यू आर और एडजसेंट साइड कौन सी है, जरा देखो अपोजिट एडजसेंट, एडजसेंट है पी क्यू, तो क्यू आर, क्यू आर की वैल्यू क्या है, क्यू आर की वैल्यू है 12 अपॉन पी क्यू, पी क्यू वैल्यू क्या है, पी क्यू है 5, ये हो गया 12 अपॉन 5, ये हमें तीनों मिल गए। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 11, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 है स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, पहला एंड जस्टिफाई योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। क्वेश्चन पढ़ो पहला वाला, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। अगर क्लास में बराबर ध्यान रखते हो, वीडियो बराबर ध्यान से देखते हो, तो ये चीज हम नोट में लिख चुके हैं, ऐसा बोल रहे 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। जब हमने ये ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था तो फर्स्ट वीडियो में ही हमने नोट लिखे थे, नोट में पहला पॉइंट लिखा था कि साइन और कॉस जो भी होते हैं, साइन एंड कॉस आर ऑलवेज लेस देन 1। क्यों? क्योंकि साइन और कॉस दोनों में डिनोमिनेटर में हाइपोटेनस आता है और राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड, इसलिए साइन और कॉस का डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होगा, न्यूमिनेटर हमेशा छोटा होगा, इसलिए साइन और कॉस की वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी। सेक और कोसेक दोनों के न्यूमरेटर में हाइपोटेनस आता है, बराबर है, सेक होता है हाइपोटेनस अपॉन एडजसेंट, कोसेक होता है हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट, तो सेक और कोसेक में दोनों में न्यूमरेटर में हाइपोटेनस आता है एंड हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, तो सेक और कोसेक में हमेशा न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा, इसीलिए sec और cosec की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी ही होगी, ऐसा हमने लिखा है, वो पढ़ोगे तो पता चलेगा। और अगर हम बात करें 10 की, तो 10 होता है अपोजिट अपॉन एडजसेंट, cot होता है एडजसेंट अपॉन अपोजिट, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अपोजिट और एडजसेंट में से कोई भी साइड बड़ी हो सकती है या दोनों इक्वल भी हो सकती है, 10 होता है अपोजिट अपॉन एडजसेंट।
टेन की बात करें, टेन टेन होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो अपोजिट और एडजेसेंट में कोई भी साइड बड़ी हो सकती है, दोनों इक्वल भी हो सकता है, लेकिन अगर अपोजिट एडजेसेंट से बड़ा होगा तो टेन की वैल्यू वन से बड़ी हो जाएगी, अगर अपोजिट एडजेसेंट से छोटा होगा तो टेन की वैल्यू वन से कम हो जाएगी, और अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड अगर दोनों इक्वल होंगे तो टेन की वैल्यू वन होगी। तो टेन और कॉट का नक्की नहीं, टेन और कॉट ग्रेटर देन वन भी हो सकते हैं, इक्वल टू वन भी हो सकते हैं, लेस देन वन भी हो सकते हैं। तो इसमें क्या लिखोगे, ऐसा बोल रहे द वैल्यू ऑफ टेन ए इज ऑलवेज लेस देन वन, क्या लिखोगे, ट्रू लिखोगे कि फॉल्स लिखोगे, इट इज फॉल्स। और जस्टिफाई कैसे करोगे, बिकॉज टेन ए इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, टेन ए इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, फिर तुम लिखोगे, मैं बोल रहा हूं क्या लिखोगे, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, इफ क्या लिखोगे, इफ अपोजिट साइड ग्रेटर देन, अपोजिट साइड ग्रेटर देन एडजेसेंट साइड, देन क्या, देन टेन ए ग्रेटर देन वन, ठीक है, देन टेन ए ग्रेटर देन वन, इफ अपोजिट साइड लेस देन एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड देन, तो क्या होगा, देन टेन ए विल बी, देन टेन ए विल बी लेस देन वन, एंड इफ अपोजिट साइड, इफ अपोजिट साइड इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड, इफ अपोजिट साइड इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड देन, तो क्या होगा, देन टेन ए इज इक्वल टू वन। मतलब हर हालत में अगर हम टेन ए की बात करें तो ये टेन ए ग्रेटर देन वन, लेस देन वन, इक्वल टू वन हो सकता है, इसलिए ये स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया है इट इज फॉल्स, ठीक है। अपोजिट साइड इक्वल टू एडजेसेंट साइड, देन टेन ए इक्वल टू वन, तो इधर क्या लिखोगे, दस टेन ए ग्रेटर देन वन, लेस देन वन और इक्वल टू वन आर पॉसिबल, इसके लिए ये फॉल्स आया। ये पूरा प्रॉपरली डिस्क्रिप्शन लिखना है और इसको बुक्स को तुम्हें प्रिजर्व करना है बराबर है, कभी भी ये चीज़ें दोबारा ड्यूरिंग द ईयर एट द एंड ऑफ द ईयर कुछ भी रिपीट नहीं होने वाला। यू हैव टू प्रिजर्व योर बुक्स प्रॉपरली, यू हैव टू राइट रीजंस प्रॉपरली, कुछ भी गलत सलत लिख रहे हो, सही नहीं लिख रहे हो तो आगे तुम्हें कुछ भी रीडिंग के लिए कुछ मटेरियल मिलेगा नहीं, रेफर करने के लिए कुछ मिलेगा नहीं, कभी रिपीट नहीं होगा। और तुम ये नवनीत की डाइजेस्ट में देखोगे तो वो अलग डिफ़िकल्ट रीजंस लिखते हैं, हम जो लिख रहे हैं या हम जो स्टेप्स कर रहे हैं तुम कोई भी डाइजेस्ट के साथ कंपेयर करोगे तो उनके स्टेप्स हमसे डिफ़िकल्टी हैं, हम जो स्टेप लिख रहे हैं वो बहुत ईजी लिख रहे हैं कि कल को जाके तुम कभी भी रिफ़र करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये कैसे आया। नवनी डाइजेस्ट या कोई भी डाइजेस्ट, ऑल इन वन की डाइजेस्ट, कोई भी डाइजेस्ट रेफर करोगे तो उनका मेथड तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा कि वो लोग क्या लिख रहे हैं। तो यू सी टू इट कि यू आर प्रिजर्विंग योर बुक्स, ये सब तुम्हें रेफर करना है, कुछ भी आगे रिपीट नहीं हो सकता, रिवीजन कुछ भी होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर टू पढ़ो, सेक ए, सेक ए इज 12/5 फॉर सम एंगल ए, सेक ए 12/5 इज इट पॉसिबल, इज दिस ट्रू, यस इट इज ट्रू, क्योंकि sec क्या होता है, ट्रू, क्योंकि sec क्या होता है, sec, बिकॉज sec a इज hypotenuse अपॉन adjacent, sec a इज hypotenuse अपॉन adjacent, एंड hypotenuse इज दी क्या, एंड hypotenuse इज दी longest साइड, longest side of right triangle, longest side of right triangle, therefore sec a greater than 1, therefore sec a will be always greater than 1, इसलिए true है ये 12/5 है ना, 12/5 बोल रहे हैं, sec a 12/5 हम लिख देते greater than 1, true, क्यों true, because sec a is hypotenuse upon adjacent and hypotenuse is the longest side, तो मतलब न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा
तो sec a की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी ही होगी, कभी 1 से छोटी या 1 को इक्वल नहीं हो सकती। sin cos हमेशा 1 से छोटे, sec cosec हमेशा 1 से बड़े, tan cot नक्की नहीं, tan cot नक्की नहीं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन में बोल रहे हैं cos a इज एब्रीवेशन ऑफ cosecant ऑफ एंगल ए। फॉल्स 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 वाई फॉल्स, क्योंकि cos a एब्रीवेशन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म। ऐसा बोल रहे हैं कि cos a जो है वो शॉर्ट फॉर्म है किसका, cosecant ऑफ एंगल ए का, तो फॉल्स है, बिकॉज cos a इज एब्रीवेशन ऑफ, किसका एब्रीवेशन है, एब्रीवेशन ऑफ cosecant ऑफ एंगल ए नहीं, cosine ऑफ एंगल ए। तुमको अगर ध्यान में होगा तो पहला जो क्लास हमारा हुआ था ट्रिग्नोमेट्री का, फर्स्ट वीडियो, तो फर्स्ट वीडियो में मैंने इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का फुल फॉर्म लिखा था, SINE साइन, उसका एब्रीवेशन SIN, टेंजेंट उसका एब्रीवेशन टैन, कोटेंजेंट उसका एब्रीवेशन कॉट, एब्रीवेशन मतलब शॉर्ट फॉर्म, कोसाइन कॉस, कोसिकेंट कोसेक, सिकेंट सेक। फोर्थ क्या बोल रहे हैं, कॉट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, क्या कॉट ए कॉट का और ए का प्रोडक्ट है, कि इट इज कॉट इनटू ए, कैसा है, इट इज फॉल्स। कॉट ए कॉट और ए का प्रोडक्ट नहीं है, कॉट ए एक रेशो है राइट एंगल ट्राइंगल का, विच इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग रेशो ऑफ साइड एडजेसेंट टू एंगल ए एंड अपोजिट टू एंगल ए। कॉट ए कॉट और ए दो चीजों का प्रोडक्ट नहीं है, जैसे मैं लिखता हूं 2x, मैं लिखता हूं 2x, तो 2x मतलब इट इज 2 इंटू एक्स, ये 2 का और x का प्रोडक्ट है। मैं लिखता हूं 4y, तो इट इज 4 इंटू वाई, ये 4 का और y का प्रोडक्ट है। कॉट ए बोल रहे कॉट ए कॉट का और ए का प्रोडक्ट है, नहीं है ऐसा, इट इज फॉल्स, बिकॉज क्या रीजन लिखोगे, बिकॉज cot a इज अ रेशो obtained फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल बाय टेकिंग रेशो ऑफ साइड्स adjacent टू a एंड अपोजिट टू a, साइड adjacent टू a एंड अपोजिट टू a, दैट इज क्या बोलोगे, दैट इज cot a इज इक्वल टू adjacent अपॉन अपोजिट। False, because cot A is a ratio. फिर से बोलता हूं थोड़ा short करके, पिछली बार बोला उसे थोड़ा short करके, because cot A is a ratio of a right angle triangle obtained from a right angle triangle by taking ratio of side adjacent to A and opposite to A. That is cot A is equal to adjacent upon opposite. अगला question, जरा ध्यान से पढ़ो, फिफ्थ क्या बोल रहे, फिफ्थ साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, साइन थीटा इक्वल टू 4/3, इज इट पॉसिबल, क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है, इट इज डेफिनेटली फॉल्स, ये पक्का फॉल्स है, क्योंकि साइन में कभी भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं हो सकता, बराबर है, साइन थीटा 4/3 फॉल्स, रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। बिल्कुल ध्यान रखना, कुछ भी रिपीट नहीं होगा, कुछ भी आगे जाके रिपीट होगा नहीं, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू हैव टू प्रिजर्व ऑल योर बुक्स प्रॉपरली, बुक नंबर लिख के तुमको अपनी सारी बुक्स, टेक्स्ट बुक अलग रखना है, प्रैक्टिस बुक को तुम्हें अलग सॉल्व करना है,
और सब ऊपर नंबर लिख के प्रिजर्व करना है प्रॉपर रीजंस के साथ कि कभी भी रेफर करना हो तो तुम्हें पूरा मटेरियल तुम्हारे पास रेडी होना चाहिए। फिर यहाँ वहाँ लास्ट मोमेंट पे तुम नवनीत की डाइजेस्ट देखोगे, ऑल इन वन देखोगे तो और अपने आप को कन्फ्यूज़ करोगे। टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल का तुम मेथड देखना और हमारा देखना, तुमको टेक्स्ट बुक के जो एग्जाम्पल्स है उसमें तुम्हें आधे एग्जाम्पल्स में समझ में भी नहीं आएगा कि वो जिस तरह से मेथड करते हैं। तो वी आर डूइंग ईजी स्टेप्स, उसको तुम्हें अच्छे से फॉलो करना है, अपने बुक्स को प्रिजर्व करना है। साइन थीटा 4/3 फॉल्स बिकॉज साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस एंड हाइपोटेनस इज दी क्या एंड हाइपोटेनस इज एंड हाइपोटेनस इज लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल देयरफॉर साइन थीटा शुड बी लेस देन 1। जबकि ये जो साइन थीटा दिखा रहा है ये तो ग्रेटर देन 1 दिखा रहा है, बराबर है। देयरफॉर साइन थीटा शुड बी लेस देन 1। इसके बाद हमने एक क्वेश्चन छोड़ा है, क्वेश्चन नंबर 6 इसलिए छोड़ा है कि वो थोड़ा अलग है और उसमें शायद लास्ट के एक पार्ट में तुम्हें थोड़ा प्रॉब्लम होगा बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन सिमिलर ट्राइंगल्स और सिमिलर ट्राइंगल्स हमने अभी तक पढ़ा नहीं है। ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है, देखना जरा। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, थोड़ा सा बस आखिर में एक हल्का सा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, बराबर है, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है। क्या बोल रहे हैं, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। देखो एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, ये रहा ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, तुम्हें ऐसा दिया है क्वेश्चन में, ऐसा तुम्हें दिया है। फिर क्या बोल रहे हैं, प्रूव दैट, क्या बोल रहे हैं, शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, वी हैव टू शो दैट एस टी मतलब शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ये ट्राइंगल ए बी सी, इसमें एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल्स हैं और कॉस ए इक्वल टू कॉस बी दिया है, यू हैव टू शो दैट एंगल ए एंड एंगल बी आर इक्वल, ऐसा तुम्हें शो करना है। सिंपल है, देखना जरा। सबसे पहले इसमें कॉस ए क्या होगा, कॉस ए इस ट्राइंगल में व्हाट शुड बी कॉस ए, तो कॉस ए शुड बी बी सी अपॉन ए बी, जरा चेक करो जरा ध्यान से, बी सी अपॉन ए बी अपोजिट, सॉरी कॉस ए क्या होगा, कॉस ए, कॉस ए होगा ए सी अपॉन ए बी, है ना, कॉस ए, कॉस ए विल बी ए सी अपॉन ए बी एडजस्टेंट अपॉन हाइपोटेनस। क्या होगा कॉस बी, जरा देखो जरा कॉस बी क्या होगा, व्हाट विल बी कॉस बी, क्या होता है कॉस, तो कॉस होता है एडजस्टेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो कॉस बी क्या होना चाहिए, तो कॉस बी होना चाहिए बी सी अपॉन ए बी, देखो जरा ठीक है। व्हाट शुड बी कॉस ए, कॉस ए शुड बी ए सी अपॉन ए बी एडजस्टेंट अपॉन हाइपोटेनस। व्हाट शुड बी कॉस बी, कॉस बी शुड बी बी सी अपॉन ए बी एडजस्टेंट अपॉन हाइपोटेनस। लेकिन तुम्हें तो कॉस ए और कॉस बी इक्वल दिया है, बट क्या, बट कॉस ए, बट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी गिवन, दिया है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी इज गिवन, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कॉस ए की जगह पे ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू कॉस बी की जगह पे बी सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी, तो क्या हो जाएगा, ए बी को तुम क्रॉस में ले जा सकते हो, है ना, ये क्रॉस में ले जा सकते हो, या देखो ए बी सीधा कैंसिल, एक स्टेप बचा लेते हैं क्योंकि ये क्रॉस में चला जाएगा, कैंसिल, क्या रह गया ए सी इक्वल टू बी सी, मतलब ट्राइंगल ए बी सी में जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसमें सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स का अप्लाई होगा वो अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है, उसके बिना ये हो जाता है। मुझे ऐसा लगा शायद इस साल जो अभी हमने पढ़ना बाकी है सिमिलर ट्राइंगल्स वो इसमें अप्लाई होगा, लेकिन वो इसमें अप्लाई नहीं होगा, उसके बिना ही काम हो जाएगा हमारा।
देखो AC इक्वल टू BC हो गया, क्या प्रूव कर दिया मैंने, AC इक्वल टू BC। क्या तुमने लास्ट ईयर ट्राइंगल चैप्टर में कोई ऐसा थ्योरम पढ़ा है कि इफ इन अ ट्राइंगल टू साइड्स आर इक्वल देन एंगल्स अपोजिट टू देम आर ऑल्सो इक्वल? जरा ध्यान रखना कौन सा थ्योरम, नंबर मुझे याद नहीं रहते, अगर हम क्लास में होते तो स्टूडेंट्स मेरे को बताते कि लास्ट ईयर ये थ्योरम नंबर था, बराबर। अब हम वीडियो में तो कोई सामने बताने वाला नहीं है कि कौन सा थ्योरम नंबर था, लेकिन तुमने लास्ट ईयर एक ऐसा थ्योरम पढ़ा है कि इफ इन अ ट्राइंगल टू साइड्स आर इक्वल देन एंगल्स अपोजिट टू देम आर ऑल्सो इक्वल। अब ए सी इक्वल टू बी सी आया, इन ट्राइंगल ए बी सी ए सी इज इक्वल टू बी सी, तो देखो जरा ए सी का अपोजिट एंगल कौन सा हुआ, ए सी का अपोजिट, ए सी का अपोजिट एंगल हुआ एंगल बी, और बी सी का अपोजिट कौन सा एंगल हुआ, बी सी का अपोजिट एंगल हुआ ए, बिकॉज इफ इन अ ट्राइंगल टू साइड्स आर इक्वल देन एंगल्स अपोजिट टू देम आर ऑल्सो इक्वल। थ्योरम नंबर तुम अपनी नाइन्थ की बुक में से ढूंढ के लिखोगे, बराबर है, तुम्हारी नाइन्थ की बुक में से ढूंढ के लिखोगे, स्टैंडर्ड नाइन थ्योरम नंबर जो भी तुम्हारी नाइन्थ की बुक में था वो थ्योरम तुम मेंशन करोगे यहाँ पे, वो तुम्हारे लिए मैं छोड़ता हूँ कि नाइन्थ में ये कौन सा थ्योरम नंबर था वो ढूंढ के तुम इधर मेंशन करोगे, स्टैंडर्ड नाइन थ्योरम जो भी है, ठीक है। विद दिस वी हैव फिनिश्ड विद एक्सरसाइज 8.1 टेक्स्ट बुक। इसके बाद तुम्हारी नवनीत प्रैक्टिस बुक निकालो, नवनीत प्रैक्टिस बुक में एक्सरसाइज 8.1 थोड़े सम्स में तुम्हें करवाऊंगा और थोड़े सम्स तुमको मैं होमवर्क में दूंगा। एक्सरसाइज 8.1 नवनीत में, एक्सरसाइज 8.1 नवनीत प्रैक्टिस बुक, नवनीत प्रैक्टिस बुक क्वेश्चन नंबर वन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर वन पढ़ो, साइन ए इज इक्वल टू 1/2 देन शो दैट 3 cos A माइनस 4 cos³ A इज इक्वल टू 0। साइन ए की वैल्यू 1/2 है, शो दैट 3 cos A माइनस 4 cos³ A इज इक्वल टू 0। जिसको नहीं पढ़ना है ना उसी को डिफिकल्ट लगेगा ये सब, पढ़ने वाले लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जिनको पढ़ना है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये ट्राइंगल ए बी सी, देखो साइन ए दिया है 1/2, साइन ए इज 1/2, तो ये रहा ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी में तुम्हें एंगल ए को एक्यूट एंगल लेना होगा, ट्राइंगल ए बी सी में तुम्हें एंगल ए को एक्यूट एंगल लेना होगा। क्या करने वाले हो, साइन ए 1/2 है, तो जैसा हमने टेक्स्ट बुक में ट्रायल मेथड किया, जैसा हमने टेक्स्ट बुक में ट्राइंगल मेथड किया, वही मेथड लगा कि यू विल फाइंड कॉस ए, और ये तुम्हें प्रूव करना है कि शो दैट 3 cos A माइनस 4 cos³ A इक्वल टू 0। तो एक बार तुमने cos A फाइंड कर लिया तो इसमें LHS लेके cos A की वैल्यू रख के सॉल्व करोगे तो यू विल गेट इक्वल टू 0, बस इतना करना है, बराबर है। साइन ए इज 1/2, साइन क्या होता है, साइन तो साइन होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, साइन ए अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस मतलब BC अपॉन AC इज 1/2। अरे अभी टेक्स्ट बुक में किया वही मेथड, साइन ए, साइन होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, BC अपॉन AC इज 1/2, मतलब BC इज टू AC का रेशियो क्या हो गया, BC इज टू AC 1:2। तो लेट BC इक्वल टू, क्या करोगे, BC इक्वल टू K, AC इज इक्वल टू 2K, तो ये BC हो गया K, AC हो गया 2K। अब क्या करोगे, अब ट्राइंगल ABC में पाइथागोरस लगा के फाइंड कर लोगे AB, इन ट्राइंगल ABC एंगल B 90, AC इज हाइपोटेनस, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थियरम AC स्क्वायर शुड बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर तो AC की जगह पे आ जाएगा 2K, ये हो गया 2K स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, दैट मींस 2K स्क्वायर,
दिस 2k स्क्वायर विल बिकम 4k स्क्वायर, 4k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर इज ab स्क्वायर, समझे कैसे? दैट मींस ab स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर 3k स्क्वायर. सो हाउ मच विल बी ab, हाउ मच विल बी ab, ab का स्क्वायर 3k स्क्वायर है तो ab क्या बन जाएगा, रूट 3, क्योंकि 3 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और k का k स्क्वायर है उसका रूट कितना बन जाएगा k, समझे कैसे? ठीक है, या तो एक स्टेप ज़्यादा करूँ, ए बी स्क्वायर, तो ए बी विल बी रूट ऑफ 3k स्क्वायर, तो ए बी विल बी इक्वल टू 3 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं, तो वो रूट में रह जाएगा रूट 3, और k स्क्वायर का रूट बन जाएगा k, वो बाहर आ जाएगा, k स्क्वायर का रूट हो गया k, तो हमें ए बी मिल गया रूट 3k. अब हमें ए बी रूट 3k मिल गया, देखो इधर लिख देते हैं, ए बी इज रूट 3k, ए बी इज रूट 3k, कैन वी गेट कॉस ए, कैन वी गेट कॉस ए नाउ, कॉस क्या होता है, कॉस, तो कॉस होता है एडजसेंट अपॉन हाइपोटेनस, है ना, कॉस, कॉस इज एडजसेंट अपॉन हाइपोटेनस, कॉस ए एडजसेंट ए बी अपॉन हाइपोटेनस ए सी, है ना, एडजसेंट अपॉन हाइपोटेनस मतलब वो बन जाएगा रूट 3k अपॉन 2k, के कैंसल, तो बन गया रूट 3 अपॉन 2, ये मिल गया हमें कॉस है, और हमें सिर्फ कॉस ही तो चाहिए था, हमें तो सिर्फ कॉस ही चाहिए, मिल गया हमें कॉस है, कितना मिल गया कॉस है, रूट 3 अपॉन 2. अब क्या करोगे, इसको प्रूव करना है तुम्हें, तो LHS ले लो, क्या है LHS, 3 कॉस है माइनस 4 कॉस क्यूब है, तो इसमें कॉस है की वैल्यू रख लो, ये भी हमने फाइंड की है, तो ये बन जाएगा 3 इंटू रूट 3 अपॉन 2 माइनस 4 इंटू रूट 3 अपॉन 2 क्यूब. पता चला कैसे, एकदम आसान है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया 3 रूट 3 अपॉन 2 माइनस 4 इंटू, गड़बड़ नहीं, 4 इंटू, तुम्हारी टेक्स्ट बुक की नोटबुक अलग, प्रैक्टिस बुक की अलग, और सब में प्रॉपर मेथड, डू नॉट चीट योरसेल्फ, कुछ भी उल्टा पुल्टा लिख के, पढ़ाई ना करके, ध्यान ना रख के, अपने खुद को चीट नहीं करना. रूट 3 क्यूब, रूट 3 क्यूब, तो रूट 3 का क्यूब का मतलब क्या हुआ, रूट 3 क्यूब मतलब रूट 3 शुड बी मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स, यही मतलब हुआ ना, रूट 3 क्यूब मतलब रूट 3 शुड बी मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स, तो उसमें रूट 3, रूट 3 बच जाएगा 3, रूट 3, रूट 3 का क्यूब है ना, रूट 3 का क्यूब मतलब, रूट 3 क्यूब मतलब ये साइड में लिख के रखना, यहाँ बॉक्स में साइड में लिख के रखना, रूट 3 क्यूब मतलब रूट 3 शुड बी मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स, रूट 3 इंटू रूट 3 मतलब रूट 9, और वो रूट 9 तो 3 बन जाता है, और रूट 3 3 रूट 3, तो 4 इंटू 3 रूट 3 अपॉन 2 का क्यूब वो तो है 8, तो 4 वन ज़ा 4 टू ज़ा, तो क्या बच गया, ये बच गया 3 रूट 3 अपॉन 2 माइनस ये भी 3 रूट 3 अपॉन 2, तो 3 रूट 3 अपॉन 2 3 रूट 3 0 हो गया, इज इक्वल टू RHS, देखो प्रूव हो गया, ये हो गया प्रूव, इज इक्वल टू RHS. ऐसे ही सम नंबर 2 बहुत ही सिंपल है, इन ट्राइंगल ABC एंगल B is 90, इन ट्राइंगल ABC एंगल B is 90, बहुत इजी है, बहुत इजी है, ये सब बिल्कुल गड़बड़ नहीं होनी चाहिए. एंगल बी इज 90 और क्या दिया है, टेन ए इज 1 अपॉन रूट 3, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग, हमें टेन ए की वैल्यू दी है, क्या दी है, टेन ए 1 अपॉन रूट 3, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग. ठीक है, उसमें दो चीजें हैं हम जिसकी में वैल्यू ढूंढनी है, किसकी किसकी वैल्यू ढूंढनी है, पहला दिया है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, एक तो हमें इसकी वैल्यू ढूंढनी है और दूसरी किसकी वैल्यू ढूंढनी है, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, इन दोनों की हमें वैल्यू ढूंढनी है, कौन सी, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी,
एंड कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, इसकी वैल्यू हमें ढूंढनी है। कैसे ढूंढोगे तुम इनकी वैल्यूज, तुम कैसे ढूंढोगे? ये टेन ए दिया है 1/√3, तुम्हें टेन ए दिया है 1/√3, तो उसकी मदद से तुम साइन ए ढूंढ लोगे, कॉस ए ढूंढ लोगे, कॉस सी ढूंढ लोगे और साइन सी ढूंढ लोगे, और ये वैल्यूज बस इसमें रख देनी है और कुछ नहीं करना है। ये चारों वैल्यूज कौन सी, चार साइन ए कॉस सी साइन सी ढूंढ के तुमको इसमें प्लेस कर देना है। अब टेन ए दिया है 1/√3, वॉट इज टेन ए, क्या होता है टेन, तो टेन हमें पता है टेन होता है अपोजिट अपॉन एडजसेंट। वॉट इज टेन, तो टेन होता है अपोजिट अपॉन एडजसेंट, मतलब बी सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1/√3, समझे। टेन होता है अपोजिट अपॉन एडजसेंट, मतलब बी सी अपॉन ए बी इज 1/√3, मतलब बी सी इज टू ए बी का रेशो, बी सी इज टू ए बी इज 1:√3। तो क्या करोगे, लेट बी सी इज इक्वल टू, रेशो है ना, लेट बी सी इज इक्वल टू के ए बी इज इक्वल टू √3 के, पता चला बी सी इक्वल टू के ए बी इक्वल टू √3 के। अब बी सी हो गया के, ए बी हो गया √3 के, तो पाइथागोरस लगा के ऐसी। इन सब में कुछ भी नया नहीं है, सारे सम्स तुम देखो एक जैसा ही तो मेथड कर रहे हैं हम, कोई फर्क ही नहीं है। तो ट्राइंगल ए बी सी में पाइथागोरस लगाओ और फाइंड कर लो ए सी इन ट्राइंगल, यहाँ साइड में लिख देता हूँ, इन ट्राइंगल ए बी सी, अप्लाई पाइथागोरस इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी 90, ए सी हाइपोटेनस, तो ए सी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ए बी मतलब √3 के स्क्वायर प्लस बी सी, तो बी सी हो गया के स्क्वायर, सो ए सी स्क्वायर विल बी 3 के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, दैट मीन्स ए सी स्क्वायर शुड बी 4 के स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इज 4 के स्क्वायर, तो हाउ मच विल बी ए सी, सो ए सी विल बी इक्वल टू 2 के, समझे, ए सी विल बी 2 के, तो ये ए सी हमारा मिल गया, कितना मिल गया 2 के। क्या क्या फाइंड करना है, साइन ए कॉस ए कॉस सी साइन सी, तो साइन ए साइन ए साइन ए ढूंढना है, क्या होता है साइन ए, साइन इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, साइन ए अपोजिट बी सी अपॉन हाइपोटेनस, मतलब इट विल बी के अपॉन 2 के, के कैंसल 1/2, बहुत आसान है। ऐसे ही क्या फाइंड करना है, दूसरा कॉस ए, कॉस ए क्या होता है कॉस, तो कॉस होता है एडजसेंट अपॉन हाइपोटेनस, मतलब ए बी अपॉन ए सी एडजसेंट अपॉन हाइपोटेनस, दैट मीन्स √3 के अपॉन 2 के, के कैंसल, क्या बन गया ये √3 अपॉन 2, समझ गए। ऐसे ही कौन, ऐसे ही साइन सी, साइन सी क्या होता है साइन, क्या होता है साइन, तो साइन होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस विद रिस्पेक्ट टू एंगल सी, देखो अपोजिट साइड कौन सी है विद रिस्पेक्ट टू एंगल सी, अपोजिट है ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी मतलब √3 के अपॉन 2 के, कैंसल √3 अपॉन 2। ऐसे ही कौन, टेन सी सॉरी टेन नहीं कॉस सी, कॉस सी क्या होता है कॉस, तो कॉस होता है एडजसेंट अपॉन हाइपोटेनस, मतलब बी सी अपॉन ए सी एडजसेंट अपॉन हाइपोटेनस, बी सी अपॉन ए सी मतलब के अपॉन 2 के, के कैंसल 1/2, हो गया फर्स्ट क्लास। बस ये सारी वैल्यूज तुम इसमें रख दोगे तो साइन ए इंटू कॉस सी, साइन ए इंटू कॉस सी, ये रही साइन ए की वैल्यू 1/2 इंटू कॉस सी 1/2 प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, कॉस ए √3/2 इंटू साइन सी √3/2, तो ये 1 × 1 = 1/2 × 2 = 4 प्लस ये बन जाएगा 3/4, 1/4 प्लस 3/4 डिनोमीटर्स तो सेम है, एलसीएम की तो कोई भी जरूरत नहीं है, सीधा न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हो, 4/4 क्या हो गया 4/4 1,
और इसमें कॉस ए इंटू कॉस सी, कॉस ए कॉस ए रूट थ्री अपॉन टू इंटू कॉस सी वन अपॉन टू माइनस साइन ए वन अपॉन टू इंटू साइन सी रूट थ्री अपॉन टू। सेम ऐसा सम हमने कल टेक्स्ट बुक में किया है, ऐसा ही कुछ था वो भी। तो ये क्या बन जाएगा, रूट थ्री अपॉन फोर माइनस रूट थ्री अपॉन फोर, इट विल बिकम इक्वल टू जीरो। हो गया, इतना ईजी है। इसके बाद सम नंबर थ्री तुम होमवर्क में करोगे, क्वेश्चन जरा देखो। 15 cot A is 8, find other 5 trigonometric ratios of angle A. 15 cot A is 8, अगर 15 cot A 8 है तो what will be cot A, तो cot A will be 8 upon 15, 15 को upon में ले जाओ, cot A is 8 upon 15, तो cot क्या होता है, cot होता है adjacent upon opposite, जैसे ये method किया, ऐसे करके एक right angle triangle form होगा, उसकी side find करके, you have to find all other ratios, ठीक है। सम नंबर फोर देखो क्या है, सम नंबर फोर में कोसेक थीटा इज 41 अपॉन 40, कोसेक थीटा इज 41 अपॉन 40, ये भी वही टाइप का सम है जिसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है, बाकी ढूंढना है। कोसेक थीटा इज 41 अपॉन 40, क्या होता है कोसेक, कोसेक होता है हाइपोटनस अपॉन अपोजिट, मतलब हाइपोटनस अपॉन अपोजिट, ठीक है 41 अपॉन 40, तो ऐसे के फॉर्म में रेशियो मिलेगा। पाइथागोरस लगा के कोई जो एक मिसिंग साइड है वो तुमको ऐसे ही मिल जाएगी, और फिर जो तुमको दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने, साइन थीटा और सेक थीटा, वो तुम फाइंड करना। क्वेश्चन नंबर फाइव, वैल्यू ऑफ सेक थीटा इज 25 अपॉन 7, सेक थीटा इज 25 अपॉन 7, क्या होता है सेक, तो सेक होता है हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट। ये सम नंबर फाइव, सम नंबर फाइव कर देते हैं हम, ठीक है सम नंबर फाइव हम कर देते हैं। सेक थीटा इज 25 अपॉन 7, सिंपल है ऐसे तो, सेक थीटा इज 25 अपॉन 7। सम नंबर फाइव, ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल है, कोई भी एक एंगल को ले लो थीटा, सपोज हमने एंगल सी को थीटा कंसीडर कर लिया, sec थीटा की वैल्यू क्या है, sec थीटा की वैल्यू है 25 अपॉन 7, हमें फाइंड करना है tan थीटा, हमें फाइंड करना है cosec थीटा, बहुत ही सिंपल है। sec sec होता है हाइपोटनस अपॉन एडजेसेंट, cos का रेसिप्रोकल। हाइपोटनस क्या है, हाइपोटनस ac, एडजेसेंट क्या है bc, ac अपॉन bc विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ac अपॉन bc, हाइपोटनस अपॉन एडजेसेंट 25 अपॉन 7, मतलब ए सी इज टू बी सी का रेशो क्या हो गया, ए सी इज टू बी सी का रेशो गया 25 इज टू 7, तो लेट ए सी इज इक्वल टू 25 के, बी सी इज इक्वल टू 7 के, ये ए सी हो गया 25 के, बी सी हो गया 7 के। पाइथागोरस लगा के तुम फाइंड कर लोगे ए बी, पाइथागोरस लगाओगे तो तुम्हें ए बी मिल जाएगा, ए बी तुम्हें पाइथागोरस लगा के मिलेगा 24 के, और एक बार ए बी तुम्हें मिल गया तो यू विल बी एबल टू फाइंड tan थीटा एंड cosec थीटा, खुद कर दोगे बाकी का। क्वेश्चन नंबर सिक्स जरा ध्यान से पढ़ो, सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे लेकिन सॉल्व तुम्हें खुद करने हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए इज 90, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस फाइंड साइन बी cos c एंड tan b। तो क्वेश्चन सिक्स का फर्स्ट हम कर रहे हैं अभी, बाकी के दो तुम खुद होमवर्क में सॉल्व करोगे, वन हम अभी कर रहे हैं। इन ट्राइंगल एबीसी एंगल ए इज 90, ये रहा ट्राइंगल एबीसी, और बोल रहे हैं ट्राइंगल एबीसी में एंगल ए इज 90, तो ध्यान से ट्राइंगल बनाना, ट्राइंगल एबीसी में एंगल ए 90 है, और तीनों बार क्या फाइंड करना है तुमको, तीनों केसेस में तुम्हें फाइंड करना है साइन बी कॉस सी और टेन बी, इन तीनों तीन सम्स में 1, 2, 3 जो दिए हैं तीनों में तुम्हें साइन बी कॉस सी और टेन बी फाइंड करना है। पहले वाले में ए बी ए सी 1, ए बी इज 1, ए सी इज 1, बड़ा आसान है। पहले पाइथागोरस लगा के फाइंड कर लोगे बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए 90, बी सी इज हाइपोटनस
तो यू विल अप्लाई पाइथागोरस एंड यू कैन गेट बी सी. बी सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर. दैट मीन्स बी सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर. वन प्लस वन तो बी सी स्क्वायर इज टू. सो बी सी विल बी बी सी स्क्वायर इज टू. सो बी सी विल बी इक्वल टू रूट टू. ठीक है. अब तुम्हें साइन भी मिल जाएगा. साइन इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस विद रिस्पेक्ट टू एंगल बी. देखो जरा साइन बी मतलब विद रिस्पेक्ट टू एंगल बी देखो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस विद रिस्पेक्ट टू बी. अपोजिट साइड कौन सा है ए सी और हाइपोटेनस कौन सा है बी सी. बी सी हमें मिल गया है रूट टू. तो ये क्या मिल गया हमें वन बाय रूट टू. समझे. और क्या कॉस सी. कॉस सी क्या होता है कॉस. तो कॉस होता है एडजसेंट अपॉन हाइपोटेनस विद रिस्पेक्ट टू एंगल सी. देखो जरा एडजसेंट साइड कौन सा है ए सी और हाइपोटेनस कौन सा है बी सी विद रिस्पेक्ट टू एंगल सी. तो क्या बन जाएगा ये वन अपॉन रूट टू. और क्या दिया है टेन बी. कैसे मिलेगा टेन बी. टेन व्हाट इज टेन. टेन इज अपोजिट अपॉन एडजसेंट विद रिस्पेक्ट टू एंगल बी. जरा देखो अपोजिट साइड कौन सा है विद रिस्पेक्ट टू बी. अपोजिट साइड है ए सी और एडजसेंट है ए बी. ए सी अपॉन ए बी चेक किया तुमने. टेन इज अपोजिट अपॉन एडजसेंट. तो क्या हो जाएगा ये वन अपॉन वन कितना मिला इज इक्वल टू वन हो गया. ऐसे सेकेंड सम में भी ऐसा ही करना है और थर्ड सम में भी ऐसा ही करना है. तीनों में तुम्हें साइन बी कॉस सी और टेन बी फाइंड करना है. ट्राइंगल की दो साइड दी है देखा तुमने. तीनों में ऐसा है ट्राइंगल की दो साइड दी है. तो पहले तुम पाइथागोरस थ्योरम लगा के ट्राइंगल की तीसरी साइड फाइंड करोगे और बाद में ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करोगे. तुमको मैंने बोला है खास कि तुम्हें 36 स्क्वायर्स तक आने चाहिए और शायद हम पहले लिख भी चुके एक बार फिर से 36 स्क्वायर्स तक सारी वैल्यूज तुम्हें पता होनी चाहिए. तुम्हें रफ में नहीं लिखना है अपनी फेयर में ही अपनी फेयर बुक में ही 11 स्क्वायर इज 121 12 स्क्वायर इज 144 13 स्क्वायर इज 169 ये सारे स्क्वायर्स तुम्हें ओरली आने चाहिए अप टू 36. नहीं तो टेंथ में बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम होगी. बहुत जगहों पे हमें स्क्वायर्स की जरूरत पड़ने वाली है. 14 स्क्वायर इज 196 15 स्क्वायर इज 225 16 स्क्वायर इज 256 17 स्क्वायर इज 289 18 स्क्वायर इज 324 19 स्क्वायर इज 361 19 स्क्वायर इज 361 20 स्क्वायर इज 400 21 स्क्वायर इज 441 22 स्क्वायर इज 484 23 स्क्वायर इज 529 24 स्क्वायर इज 576 25 स्क्वायर इज 625 26 स्क्वायर इज 676 27 स्क्वायर इज 729 28 स्क्वायर इज 784 29 स्क्वायर इज 841 ये स्क्वायर्स आने चाहिए तुम्हें अप टू 36. 30 स्क्वायर इज 900 31 स्क्वायर इज 961 32 स्क्वायर इज 1024 33 स्क्वायर इज 1089 34 स्क्वायर इज 1156 35 स्क्वायर इज 1225 एंड 36 स्क्वायर इज 1296. अभी बीच में एक 41 आया है देखो इसी सम में उसकी भी तुम्हें जरूरत पड़ेगी. देखो 41 आ रहा है कौन से सम में आ रहा है सम नंबर 4 में तो शायद 41 की जरूरत पड़ेगी. 41 का स्क्वायर होता है 1681 नहीं पक्का पता नहीं मुझे 36 तक रखना 41 स्क्वायर के लिए 41 इंटू 41 करना शायद 41 इंटू 41 इज 1681. ठीक है ये सारे स्क्वायर्स तुम्हें लिखने हैं और इनको अच्छे से तुम्हें प्रिपेयर करना है. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क में करोगे. कैसे सॉल्व करोगे क्वेश्चन नंबर 7. तो क्वेश्चन 7 में सेक थीटा की वैल्यू दी है 13 अपॉन 5
और क्या करना है, प्रूव दैट 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा इज 3। तो क्या करोगे, सेक की मदद से साइन कॉस फाइंड कर लोगे, वही ट्राइंगल वाला मेथड लगा के साइन और कॉस फाइंड कर लोगे और LHS में साइन कॉस की वैल्यू रख के इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट इक्वल टू RHS। सम नंबर 8 भी करोगे होमवर्क में, देखो सम नंबर 8 हमने आज के ही वीडियो में किया, आज का ही जो हमने पहला वाला सम किया था आज ही, सम नंबर 1 जो आज हमने किया था आज के वीडियो में वो यही था टेक्स्ट बुक में, होमवर्क में करोगे। क्वेश्चन नंबर नाइन टेन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी, टेन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसकी वैल्यू हमें ढूंढनी है। टेन थीटा ए अपॉन बी है, हमें कॉस प्लस साइन अपॉन कॉस माइनस साइन ढूंढना है, वही जो हमेशा मेथड हम लगाते हैं। तुमको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि दो ही तरह के सम्स आएंगे, पहला ट्राइंगल देंगे उससे रेशियो फाइंड करने का, या तो दूसरा टाइप का मेथड क्या होगा, कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू देंगे और बाकी की तुम्हें ढूंढनी होगी। टेन थीटा इज ए अपॉन बी, जैसा मेथड हम हर बार करते आए हैं वो ही मेथड करना है, कुछ भी नया नहीं। ये ट्राइंगल ए बी सी में एंगल सी को हमने ले लिया थीटा, ट्राइंगल ए बी सी में हमने एंगल सी को रख लिया थीटा। टेन थीटा इज ए अपॉन बी, क्या होता है टेन, तो टेन होता है अपोजिट अपॉन एडजसेंट, अपोजिट विद रिस्पेक्ट टू सी, अपोजिट क्या है ए बी अपॉन एडजसेंट क्या है बी सी, ए बी अपॉन बी सी इज ए अपॉन बी। टेन थीटा ए बी अपॉन बी सी इज ए अपॉन बी, मतलब ए बी इज टू बी सी का रेशियो क्या हो गया, ए बी इज टू बी सी का रेशियो, तो ए बी इज टू बी सी इज ए इज टू बी। तो क्या करोगे, लेट ए बी इज इक्वल टू ए के, बी सी इज इक्वल टू बी के, समझे क्या फर्क है अभी तक जो सम्स कर रहे थे उसमें और इसमें क्या फर्क है। तो उसमें और इसमें फर्क ये है कि अभी तक के सारे सम्स में ये जो रेशो देते थे ना वो नंबर्स के फॉर्म में था, इस बार ये रेशो नंबर्स के फॉर्म में नहीं है, अननोन ए और बी कुछ वेरिएबल्स के फॉर्म में है, नंबर्स के फॉर्म में नहीं है। तो ए बी इज ए के, बी सी इज बी के, तो ए बी की जगह पे मैंने रख दिया ए के, बी सी की जगह पे मैंने रख दिया बी के, आई कैन फाइंड ए सी। इस सम का मैं तुमको आगे जाके एक और मेथड भी बताऊंगा, क्योंकि अभी हमें इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना बाकी है, तो उसके ऊपर बेस्ड हम इसमें एक नया मेथड भी कर सकते हैं जो कि इसके कंपैरिजन में बहुत ही इजी मेथड है। ठीक है, पहले ये बताता हूँ फिर इंटर रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड तुमको दूसरा मेथड भी इसका मैं बताऊंगा। जनरली हम ये मेथड इसमें फॉलो नहीं करते, बराबर है। तो पाइथागोरस लगाओगे तो ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, दैट मीन्स ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर के स्क्वायर, ए बी स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर, बी स्क्वायर के स्क्वायर, दैट मीन्स ए सी विल बी इक्वल टू रूट ऑफ दिस, इसका रूट, रूट ऑफ ए स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर। अब ए स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर में तो के स्क्वायर कॉमन है ना, के स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समझे। अरे इन दोनों में के स्क्वायर तो कॉमन है ना, और के स्क्वायर तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो ए सी विल बिकम के इंटू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पता चला कैसे, अब रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कभी भी तुम ए प्लस बी नहीं लिख सकते, कभी इक्वल होता ही नहीं है। अगर कोई तुमको बोले वॉट इज रूट ऑफ थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर, तुम लिख दो कि रूट ऑफ थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर इज स्क्वायर, हट जाएगा थ्री प्लस फोर, ऐसा लिख दो तो इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। देखो जरा रूट ऑफ थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर, बीच में प्लस है, अगर ये बीच में इंटू होता ना इंटू, तो बाय पावर ऑफ प्रोडक्ट और पावर ऑफ पावर ये
रूट ऑफ थ्री स्क्वायर इंटू फोर स्क्वायर अगर होता ना, रूट ऑफ थ्री स्क्वायर इंटू फोर स्क्वायर, तो ये थ्री इंटू फोर बन जाता, स्क्वायर स्क्वायर हट जाता है, थ्री इंटू फोर बन जाता। लेकिन बीच में प्लस हो माइनस हो तो उसको ऐसा नहीं लिख सकते, देखो रॉन्ग है। तुम्हारा आंसर आ रहा है थ्री प्लस फोर सेवन, जबकि आंसर एक्चुअली क्या होना चाहिए, वॉट शुड बी द एक्चुअल आंसर, इट शुड बी थ्री स्क्वायर नाइन, नाइन प्लस सिक्सटीन, एंड रूट ऑफ नाइन प्लस सिक्सटीन मतलब रूट ट्वेंटी फाइव, एंड रूट ट्वेंटी फाइव बिकम्स फाइव। देखा गलत है, इट शुड बी फाइव, तुम लिख रहे हो सेवन। मतलब रूट ऑफ थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर को थ्री प्लस फोर नहीं लिख सकते। कब ऐसा लिख सकते हो, अगर ये होता रूट ऑफ थ्री प्लस फोर होल स्क्वायर, देन इट विल बिकम थ्री प्लस फोर, देन इट इज राइट। ये हमेशा ध्यान रखना, ये लोग गड़बड़ 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 करते ही हैं, पक्का गड़बड़ करते हैं। अगर रूट ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर होता ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो इट कैन बी रिटन एज ए प्लस बी। अगर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर होता ना, ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो यू कैन राइट इट एज ए माइनस बी, नो प्रॉब्लम्स, इट इज ओके। लेकिन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को तुमने ए प्लस बी लिखा है तो इट इज रॉन्ग। ये प्लस बी होल स्क्वायर है और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सेम नहीं है। ए प्लस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहां पे कहीं टू ए बी नहीं है। अगर तुम रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी लिखते हो, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। हाँ, अगर रूट ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर है, इंटू है, या रूट ऑफ ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है, तो रूट ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर विल बिकम ए इंटू बी, रूट ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर विल बिकम ए अपॉन बी, वो सही है। इसके लिए अप्लाई होता है लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट, इसमें अप्लाई होता है लॉ ऑफ पावर ऑफ कोशंट, लॉज ऑफ इंडाइसिस, कभी तुमको मैंने बताया हो तो लिखे हैं तुमने। लेकिन ये अगर तुम लिखते हो तो इट इज रॉन्ग, ये तुम लिखते हो तो इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो कभी भी हमेशा ध्यान रखना कि रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया तो तुम इसको ए प्लस बी नहीं लिख सकते। रीजन तुमको मैंने बताया कि अगर तुमने ऐसा लिखा तो आंसर ये आएगा, जबकि एक्चुअल आंसर तुम्हारा फाइव होना चाहिए। तो यू कैन नॉट राइट ए प्लस बी। ये हो गया तुम्हारा ए सी, क्या हो गया ए सी, के इंटू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा ए सी आ गया। अब क्या, अब तुम्हें कॉस थीटा मिल जाएगा। देखो हाउ मच इज कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज एडजसेंट अपॉन हाइपोटनस, बी के है ना, बी बी सी अपॉन ए सी, एडजसेंट अपॉन हाइपोटनस, मतलब बी के अपॉन अपॉन के इंटू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, के और के कैंसिल, मतलब इट इज इक्वल टू बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा कौन मिला, ये हमारा मिला कॉस थीटा। कैन वी फाइंड साइन थीटा सेम वे, साइन थीटा, साइन इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, मतलब ए बी अपॉन ए सी, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ए बी क्या है, ए बी ए के अपॉन, ए के अपॉन के इंटू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसमें कैंसिल हो जाएगा के और के, इसमें के और के कैंसिल हो गया, क्या मिल गया साइन थीटा, तो साइन थीटा मिल गया ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास साइन भी है कॉस भी है। ये जो मेथड तुम्हें मैं बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट मेथड है, क्योंकि अभी तक हमने इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ा नहीं। एक बार वो मैं तुम्हें बताऊंगा तो इसके लिए तुमको एक सिंपल मेथड भी बताऊंगा। बराबर है, इसमें वैल्यू रख दो, ये हमें फाइंड करना है ना, इसमें वैल्यू रख लो कॉस थीटा साइन थीटा की, कॉस थीटा की वैल्यू बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा इज ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो न्यूमरेटर में एलसीएम की तो जरूरत ही नहीं है, डिनोमिनेटर्स आर सेम,
डिनोमीटर्स आर सेम, एलसीएम की जरूरत ही नहीं है। मतलब ये हो जाएगा बी प्लस ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और डिनोमीटर में बी माइनस ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समझे। अब ये ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी फॉर्म में आ गया, इसको मैं ले जा रहा हूं ऊपर मल्टीप्लीकेशन में, तो क्या हो जाएगा ये बी प्लस ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू, ये क्या बन जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए। तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बच गया बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए, ये हो गया फाइनल आंसर। वी विल कंटिन्यू इन अवर नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच।